मैं अरविंद शरण बंसल, सचिव भारत विकास परिषद कोटपुतली इकाई। भारत विकास परिषद इकाई कोटपुतली अपने जैसे कि विदित है, हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए, सामाजिक सेवा के लिए सदैव तत्पर रही है। और इसी क्रम में कोरोना वायरस के चलते हुए जो भुखमरी है उसको मिटाने के लिए राशन के किट एकत्रित करने का लक्ष्य लिया था कि भारत विकास परिषद कोटपुतली इकाई 1,000 किट के लगभग तैयार करेगी और वो जरूरतमंद लोगों को प्रशासन के सहयोग से पहुंचाएगी। आज इसी की कड़ी को जोड़ते हुए 100 किट प्रथम किस्त के रूप में तहसीलदार अनूप सिंह जी को उपलब्ध करवाए गए। और जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है प्राप्त सूत्रों के अनुसार, उन्होंने इसका राजनीतिकरण कर दिया। ये किट किसी राजनीतिक दल के व्यक्तियों द्वारा वितरित कराए गए, ये बहुत ही खेद का विषय है। उन्होंने ये कहा था कि इसकी हम आपको रसीद देंगे। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये इनका पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा, परंतु जैसे ही वो किट हमने उनको उपलब्ध कराए, तुरंत आनन फानन में उनको राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा वितरित करवा दिया गया। हमने उस पे भारत विकास परिषद का अपना एक लोगो, जिसमें पूरी सामग्री का विवरण था और भारत विकास परिषद का पूरा बैनर था, उसको उन्होंने दबा दिया, उसको बैक हैंड में लेकर के और फिर फोटो खिंचवाए, जिसके सबूत हमारे पास में मौजूद हैं। हम चाहते थे कि ये भामाशाह अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि उनके द्वारा जो उपलब्ध कराई सामग्री है वो जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचेगी, परंतु उसका राजनीतिक फायदा लेने के लिए कुछ व्यक्तियों ने इसका गलत इस्तेमाल किया है। इससे भामाशाहों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और भविष्य में भामाशाह आगे आने के लिए कतराएंगे। भारत विकास परिषद इसके लिए अपना जो कार्यक्रम का है उसको या तो स्थगित करेगी या फिर अपने स्वयं के स्तर पे करेगी। आपका परिचय? मैं राजेंद्र कुमार अग्रवाल, कोरोना वायरस से खाद्य सामग्री वितरण संयोजक, भारत विकास परिषद कोटपुतली की तरफ से। हमने तहसीलदार जी को 100 किट आज उपलब्ध करवाए हैं। भविष्य में हमारा लक्ष्य लगभग 1,000 से 1,500 किट तक का था, लेकिन आज जो हमने तहसीलदार जी को किट दिए थे उनका राजनीतिकरण हो गया। इस वजह से आगे हमारा मन खराब है। हम आगे नहीं, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं रहा ना, हमें आगे लिया गया किट बंटवाने के लिए। प्रशासन की तरफ से हमारे यहाँ से किट लेने के बाद तुरंत आनन फानन में राजनीतिक दलों द्वारा उनको बंटवा दिया गया।